नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है एआई चैट बॉट्स की, जिस पर आप और हम सारे ही लोग इन दिनों लगभग कस्टमर केयर वाला जो पहले होता था ना, हम कॉल पे बात करते थे या मेल्स लिखते थे, अब उसकी जगह ले ली है एआई चैट बॉट ने, जिससे हम बात करते हैं। मतलब उस तरफ कोई होता नहीं है, उस तरफ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैट बॉट होता है, मतलब एक मशीन होती है जो आपसे बातचीत करती है। आपने कई बार देखा होगा, चाहे ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगाए, कपड़े मंगाए, बैंक से बातचीत करनी है, सबने अपने अपने बॉट के कुछ नाम रख दिए हैं। वो स्क्रीन पर अपेयर हो जाता है कि भाई हाँ मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। 10 ऑप्शन आते हैं, आप कहते हैं ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके बातचीत आगे होती चली जाती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट वैसे तो आपको बड़ा काम का लगता है कि विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन आप उससे बात करते करते कई बार बहुत सारी बातें बताते हैं। और सोचिए ज़रा, अगर वो बातचीत लीक हो जाए, वो डेटा लीक हो जाए तो क्या? जी हाँ, ऐसा हुआ है। अब इससे होगा क्या, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपने किस तरह की बातें की, ये डेटा किसके काम आ सकता है, क्यों काम आ सकता है, इस डेटा से फ्रॉड भी हो सकता है, ये सवाल मन में आने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इस डेटा थेफ्ट के बारे में बताता हूं, डेटा लीक के बारे में बताता हूं, वैसे थेफ्ट है, लीक तो नहीं कहना चाहिए, और इसके अब पोटेंशियली क्या खतरे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे आज। क्योंकि भाई डिजिटल एज के एडवांटेज बहुत हैं, लेकिन उतने ही खतरे हैं और नए नए बेहतरे बाजार में आते रहते हैं। पता नहीं कहां कहां से लोग क्या क्या चुरा रहे हैं और उसका क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ है एग्जैक्टली, री सिक्योरिटी की रिपोर्ट है या उन्होंने बताया है, वहां से हमें बात पता चली है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेटा लीक हुआ है या डेटा थेफ्ट हुआ है, जो भी आप उसे माने, क्लाउड कॉल सेंटर से ये लीकेज हुई है या थेफ्ट हुई है। और क्या गया है, एआई पावर्ड बॉट का डेटा हैकर्स ने उड़ा दिया है। एआई पावर्ड बॉट, जो मैंने आपको समझाया कि पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, आप चैट कर रहे हैं एक मशीन के साथ और वो डेटा उड़ा लिया गया है चैट बॉट के साथ। करीब 1 करोड़ कन्वर्सेशंस का डेटा लीक हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा कन्वर्सेशंस जो हुए वो हैकर्स ने उड़ा लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। डार्क वेब पर अब बाकायदा इसकी बिक्री भी हो रही है, इसको बेचा जा रहा है। कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या करेगा, स्कैम होगा, धोखाधड़ी होगी, कुछ और होगा, मार्केटिंग सेल्स, वी डोंट नो, ये हम कार्यक्रम में आगे जानेंगे। लेकिन क्योंकि चैटबॉट्स, यानी कि वैसी चैट्स जहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, और आजकल वो एक कस्टमर केयर का अल्टरनेटिव बन गया है, लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम तो कभी नहीं सोचते बात करते वक्त हम क्या बोल रहे हैं, हमें तो लग रहा है बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन क्या ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम खड़ी करने वाली बात है। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कोर ओवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सबरवाल, जो कि खुद एक डेवलपर है और ऐसे कई चैटबॉट्स उन्होंने और उनकी कंपनी ने डेवलप किए हैं। सिक्योर क्लॉक के फाउंडर शेखर अशोक पवार और वेब डेटा गुरु के को फाउंडर रौनक शाह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश, पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे यही कि ये जो डेटा लीक हुआ है, ये कितना, मतलब हम इसे कितनी बड़ी घटना माने, कितना क्रिटिकल माने, क्योंकि आजकल कई तरह के डेटा लीक हम सुनते हैं, अब ये चैटबॉट का डेटा लीक हो गया है, इसके मायने क्या है? राइट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। अब डेटा दो तरह का है, एक तो चैटबॉट में जल्दी दो तरह का डेटा है, एक तो जनरल इंफॉर्मेशन है, वो FAQs पाल लो या कोई भी गाइडलाइंस प्रोसेसेस किसी कंपनीज के क्या प्लान्स हैं तो यूज़र्स के लिए, तो वो है। तो वो अगर डेटा लीक होता है, डेटा लीक तो एक गलत चीज़ है ही, लेकिन अगर एक इंफॉर्मेशन पार्ट, जो जनरल इंफॉर्मेशनल चैटबॉट का अगर डेटा लीक होता है, तो वो कुछ हद तक ओके है, क्योंकि जनरली वो कंपनीज पब्लिक डोमेन में ही वो डेटा रखती है यूज़र्स के लिए। दूसरा, अगर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है, वो जो ऑथेंटिकेशन के बाद यूज़र से बातचीत होती है, कि चाहे वो पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन हो या OTP से हो या किसी भी एक जनरल SSO से हो, उसके बाद अगर डेटा है, उसमें अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है, अकाउंट नंबर भी हो सकता है, कुछ टेक्निक्स तो हैं जिसमें अकाउंट नंबर वगैरह चैटबॉट वगैरह इंजन में नहीं होता है, उसको मास्क किया जाता है या इनक्रिप्ट किया जाता है या दोनों किए जाते हैं। लेकिन अगर कुछ पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन है, अकाउंट बैलेंस तो रहता है, यूज़र बोलता है कि मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है, वो जो इंफॉर्मेशन है अगर वो लीक होती है तो वो एक थ्रेट है। तो अब मुझे इतना डिटेल नहीं पता कि कौन सा डेटा
लीक हुआ है, लेकिन कुछ हद तक ये काफी डेंजरस हो सकता है। शिखर साहब, तो क्यों हैकर्स, मतलब इस तरह के, हम इसे थेफ्ट ही बोले, लीक बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ एक लीकेज हो गई या गड़बड़ी से कहीं डेटा बाहर चला गया, थेफ्ट है बेसिकली, चुरा लिया गया है, क्या पर्पस होगा इसका? देखिए विपिन जी, इसमें क्या है, इसमें दो चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा लीक हुआ है उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो व्यक्ति का ईमेल आईडी और फोन नंबर भी है। अगर आपने बहुत बहुत लोगों ने अभी नोट किया रहेगा कि कुछ पिछले कुछ महीनों से हमें एक कॉल आती है और जब हम हेलो हेलो बोलते हैं 20 सेकंड के बाद वो कॉल कट हो जाती है। वहां आगे से कोई व्यक्ति अपने को बात ही नहीं करता हमसे, दूसरी जगह से जिसने फोन किया है, और इंडियन नंबर से ही फोन आता है। अगर आप उस नंबर को कॉल बैक करते हो तो कोई गांव की कोई लेडी तमिल में बात करती रहती है या फिर कोई फोन ही नहीं उठाता। तो ये दो चीजें मैं रिलेट करना चाहता हूँ एज ए इथिकल हैकर, क्योंकि हम लोग इथिकल हैकर बिजनेस में हैं, तो मैं इस चीजों को रिलेट करना चाहता हूँ। ये जो हैकिंग हुई है या जो डेटा थेफ्ट हुआ है और ये जो एक्टिविटीज चालू है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हमें ऐसे कॉल आते हैं तो उसका दो मकसद रहते हैं। पहला मकसद होता है कि ये नंबर अभी भी एक्टिवेट है कि नहीं, कोई यूजर इसको यूज कर रहा है कि नहीं। जैसे मुझे किसी अननोन नंबर से फोन आता है, मैं हेलो बोलता हूँ, इसका मतलब वो नंबर एक्टिव है, तो उनके पास वो डेटा चला गया हैकर्स के पास। दूसरी बात होती है कि अभी ऐसे जनरेटिव एआई के एल्गोरिदम मार्केट में है जिसमें आपको 3 सेकंड का कोई भी व्यक्ति का आवाज चाहिए और उसके बाद आप उससे जनरेटिव एआई यूज करके आप उसका वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं, ऑडियो क्लोनिंग कर सकते हैं। और जैसे मुझे किसी का फोन आया और मैंने बात की, हेलो कौन बात कर रहा है, बस इतना ही, 3 सेकंड का उनको एक बाइट लगता है या एक क्लिप लगता है ऑडियो का, और उसको इस्तेमाल करके वो बहुत सारी बातें बना सकते हैं जिसमें शेखर पवार ही बात कर रहा है। अभी ये दो जो चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन हैकर के पास, अभी स्कैमर्स के पास या हैकर्स के पास जो आ गई, और जो ऑडियो बाइट उनके पास आ गया, ये दोनों को इंटीग्रेट करके एक बहुत बड़ा स्कैमिंग रैकेट चल सकता है जिसमें जनरेटिव एआई को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों का, जिनका नंबर उनको मिला है, जिनकी जानकारी उन्हें मिली है, तो उसको इस्तेमाल करके उनके उनके साथ कॉल्स किए जा सकते हैं या उन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को कॉल किए जा सकते हैं और बताया जा सकता है कि जैसे वो रियल इंसान का ही डेटा है उनके पास, तो रियल ही लगेगा वो कॉल। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी इंटीग्रेटेड चीजें हैं जो साइबर क्राइम्स के लिए हो रही है। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि 17 तारीख, तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपने बताया पूरा एक मैकेनिज्म, ये चैटबॉट से भी रिलेटेड है, वहां से जो डेटा आ रहा है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर एआई का इस्तेमाल हो रहा है और मिला के एक फ्रॉड इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। यस, और मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी मैं 17 तारीख की बोस्टन यूएसए की एक न्यूज पढ़ रहा था, वहां पे बोस्टन पुलिस ने भी बोला है कि ये जो कॉल हमें आते हैं और हम लोग हेलो हेलो इज देयर इज समवन ऐसे बोलते हैं, तो वो 3 सेकंड का क्लिप लेके उन्होंने यूएस में भी बहुत सारे फ्रॉड करने चालू किए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटा है बहुत सेंसिटिव डेटा था, किसी की फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ का पर्सनल इंफॉर्मेशन, और जिसको यूज करके अभी हैकिंग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो रौनक साहब, अब देखिए जो कन्वर्सेशनल एआई बॉट है, अब ये तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ने अपना लिया है कि आपको बैकएंड पे कोई टीम ना रखनी पड़े, या आप कितनी बड़ी टीम रखेंगे, या ठीक है आपके पास, मतलब जहां ह्यूमन इंटरेक्शन हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की समस्या, और वो एक हद तक ठीक भी है कि कई लोगों का जो शिकायत होती है या प्रॉब्लम होती है वो कई बार वो उस एआई कन्वर्सेशन से दूर हो जाती है, लेकिन क्या ये खतरनाक है या अब हमको दिख रहा है कि इसके खतरे हैं? जी बिल्कुल खतरनाक है, और दैट इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी इन दैट सेंस के टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है। अब ये अगर जिम्मेदार हाथों में है तो मानवता का भला करेगी, और अगर ये गैर जिम्मेदार हाथों में पड़ गई तो वो डिजास्टर क्रिएट करेगी। ये एआई के लिए भी सत्य है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी सत्य है। तो होना ये चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक ही टेकन अ लीडरशिप इन दिस सेंस के एक ग्लोबल फ्रेमवर्क सबको मिलके डिफाइन करना चाहिए जिसको सारे एआई सॉल्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। अभी सब लोग अलग अलग साइलोस में काम कर रहे हैं, जैसे पिछली दो कंपनीज के ओनर्स ने बताया, वो उनका भी जो एआई सॉल्यूशन उन्होंने डेफिनेटली अपने लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी होंगी, लेकिन एज ऑफ टुडे
हमारे पास कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं है जिसके बेसिस पे जिसको हम एक बेंचमार्क बना सकें और जिससे हम एनालाइज कर सकें कि ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का कस्टमर केयर यदि एआई सॉल्यूशन यूज करता है, चाहे उनका इनहाउस है या थर्ड पार्टी है, तो उसका सिक्योरिटी का लेवल क्या है, उसका सर्टिफिकेशन क्या है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्या क्या मेजर्स वो डिप्लॉय करते हैं उस डेटा को सिक्योर करने के लिए। उस अगर जब तक ये नहीं होता है वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि जैसा अंकुश ने और शेखर ने बताया हाईली सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो सकता है। और मजे की बात, अभी मजे की नहीं लेकिन खतरनाक बात यह है कि एआई खुद एआई को यूज करती है। सो एआई की जो कैपेबिलिटी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से मीनिंगफुल डेटा निकालने की कैपेबिलिटी है। सो अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी उनके हाथ में आ गया तो उनके पास ये ताकत है कि उसमें से बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जैसा शेखर ने बताया उसके बाद उनके पास दूसरे तरीके आ गए आपका वॉइस सैंपल लेने का, आपका वॉइस क्लोनिंग करने का। सो अगर आप इन सबको मिला लो तो बहुत बहुत खतरनाक चित्र उभरता है। तो अंकुश मुझे ये समझाइए क्योंकि आप एक डेवलपर भी हैं, आपने कई चैटबॉट्स डेवलप भी किए, पहले भी चैटिंग होती थी, पहले भी मतलब अगर कॉल नहीं है तो आप चैट का ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आपको तुरंत बात करनी होती थी तब वो ह्यूमन, अभी भी है ह्यूमन पार्ट लेकिन ज़्यादातर शिफ्ट हो गया इस एआई सिस्टम पर, तो क्या उसमें और अब इसको टारगेट, क्योंकि उसकी तो खबरें हमने कम सुनी, वहाँ भी तो हम इंटरेक्ट करते थे, अपनी पर्सनल कुछ जानकारी वहाँ डालते थे लेकिन पहले इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आया, ये पर्टिकुलर एआई वाला जो जब से सिस्टम आया है इसी को खास तौर पे टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या वहां पर सिक्योरिटी फ्लॉज हैं या क्या है जो ये टारगेट पे आ रहा है? राइट देखो, एक तो अगर सिस्टम है, अगर सिस्टम से डेटा लीक हुआ है, वो चाहे एक नॉर्मल नॉन एआई सिस्टम है या लाइव चैट है या एआई चैट है, तो वो डेटा डेटाबेस से ही लीक हुआ है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, तो यूजर तो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, वो चाहे वो फॉर्म में डाल रहा है, वो चाहे कन्वर्सेशनल वे में डाल रहा है, तो लीक इज कॉमन थिंग, उसमें चाहे एआई है या नहीं। ठीक है, अगर एआई है चैटबॉट है तो हम फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते हैं, अगर फॉर्म है तो हम एक ही बार फॉर्म डालते थे, तो अब हम बार बार इंटरेक्शन करते हैं और डेटा ज़्यादा क्रिएट होता है, तो अब डेटा ज़्यादा है और लीक वाला पार्ट सेम है। अगर मैं तो बोलूँ कि रेगुलेशंस हैं या नहीं, कुछ हद तक हैं, जैसे 27001 एक सिक्योरिटी का जो प्रोसेस सर्टिफिकेशन है, कुछ हद तक एज ए स्टैंडर्ड की डेटा अच्छे से सेव हो रहा है या नहीं, कंपनीज का ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूजर्स का कैसे होता है, एक फ्रेमवर्क है। उसके बाद जो एडिशनली हम करते हैं और जो हमारे क्लाइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, इंडिया में एक 13 इंपैनल्ड एजेंसीज हैं जो हमारा वीएपीटी टेस्ट करते हैं, मतलब टॉप 10 ओवैस्प वनरेबिलिटीज़ को कवर करते हैं। मतलब जैसे आपने बोला कि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ हद तक तो जो नॉन वनरेबिलिटीज़ हैं वो तो हम हैंडल करते ही हैं, वो चाहे वो सॉफ्टवेयर एआई हो या नॉन एआई हो। तो वही टू आंसर योर क्वेश्चन कि लीक है, अब डेटा ज़्यादा है तो लीक का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो बाकी अगर जो हमने गार्ड रेल्स क्रिएट करने हैं या सिक्योरिटी नेट बनाना है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है, इवन विद एआई और विदाउट एआई। कुछ है जो डेटा कंटामिनेशन डेटा ट्रेनिंग से हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज, हम भी रियल टाइम डेटा ट्रेनिंग तो नहीं करते, सो दैट इज़ ऑलवेज ए साइलोज प्रोसेस, वीकली वंस करेंगे या मंथली वंस करेंगे या नाइटली करेंगे। तो वही है कि जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं वो कॉमन है, जो भी साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, आई थिंक द सेम दे शुड कम अप विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। और ओवैस्प गाइडलाइंस हैं, वो नई वल्नरेबिलिटीज अनअर्थ होती रहती हैं, आइडेंटिफाई होती रहती हैं, तो कंपनीज लाइक अस वी कीप रीडिंग एंड कीप गेटिंग अवरसेल्फ्स अपडेटेड। तो लेकिन अपडेट तो इंपॉर्टेंट है, वही मैं क्विकली शेखर से एक सवाल लेता हूं कि अब ये जो अपडेट है, हमने पास्ट में भी देखा कि इवन बैंकिंग, मतलब बैंक तो बहुत ही वल्नरेबल चीज़ है और बैंकिंग सिस्टम में अगर कुछ फ्लॉ हो जाए, खासतौर पे जो ऑनलाइन वाला है, तो वो तो बहुत बड़ा खतरा होगा। और इंडिया में आरबीआई ने कुछ बैंक्स को वॉर्न भी किया कि भाई आपको ये सिस्टम अपग्रेड करने होंगे। तो जब बैंक के लेवल पर भी इतनी दिक्कतें हो सकती हैं या वहाँ पर भी ओल्ड प्रैक्टिस या इस तरह का इशू हो सकता है, तो फिर
बाकी कंपनीज तो शायद उतना रडार पे पहुंचती नहीं होगी, क्या वहां पर भी बहुत कन्वेंशनल सिक्योरिटी टूल्स हैं, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम धीरे धीरे बहुत बड़े ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ों, और अब AI नई चीज़ आ गई है, तो क्या हमारे सिक्योरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उतने ऊंचे हैं कि हमको ऐसी सारी चीज़ों से सेफगार्ड कर पाएँ? हाँ भी और ना भी। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में SSBM जिनेवा स्विट्जरलैंड से, और मैंने कुछ इनोवेशंस किए हैं जिससे MSME जैसी कंपनीज है जिनको साइबर सिक्योरिटी में बहुत लैक कर रही है, तो उनको हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट के साथ भी बात चल रही है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी बैंक जो है वो अभी भी लैगिंग है। जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक खासकर मैं देखता हूँ तो अभी भी साइबर सिक्योरिटी में लैगिंग है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक साइबर सिक्योरिटी RBI फ्रेमवर्क करके एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जिसकी ट्रेनिंग मैं भी बहुत जगह पे जाके अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ बैंक्स में। तो उसको एडॉप्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बैंक वल्नरेबल रहेगी कोई भी साइबर अटैक के लिए, या साइबर अटैक को डील अगर हो भी जाता है तो उससे डील कैसे किया जाए उसके बारे में वो फ्रेमवर्क बहुत विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करती है। दूसरी बात कि बहुत सारे जो हमारे जो भारत की जो मेंटालिटी है अभी भी वो मैं देखता हूँ बहुत सारी कंपनी, इसके जो बड़े बड़े कंपनी जैसे 200-400 करोड़ टर्नओवर का भी कंपनी है तो विंडोज का लाइसेंस भी वो परचेस नहीं करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी उनके लिए कुछ मतलब मायने ही नहीं करता। जब अटैक हो जाएगा तब का तब देखा जाएगा या उस पर्टिकुलर मशीन को फॉर्मेट करेंगे। और मानसिकता की वजह से हम लोग बहुत जगह पे साइबर सिक्योरिटी में अभी भी पीछे है, और मैंने इसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है। दूसरी बात है कि जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी कंपनीज क्यों नहीं जा रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ऑडिटर का या फिर कोई भी कंप्लायंस के लिए। अगर सभी लोग पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मैं क्यों कुछ लाख रुपए उसमें डालूं? लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि जो उनका कस्टमर का डेटा है, उनकी जो मार्केट में जो उनका रेपुटेशन है, ये सारी चीजें पैसे वो 2-4 लाख रुपए बचाने के चक्कर में कितनी सारी चीजें उनकी स्टेक पे है। और जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, और आजकल तो हर कंपनी को ये करना है कि छोटी मोटी कंपनी को भी पहले आपसे आपकी 10 इंफॉर्मेशन लेनी है, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, और उसके बाद ही वो आगे कुछ बात करते हैं। बहरहाल मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद चूंकि आज बात हो रही है AI चैट बॉट्स से, और वो तो अब हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गए क्योंकि हम इतना ऑनलाइन रहते हैं, इतना ऑनलाइन कन्वर्सेशन करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, फाइनली AI चैट बॉट उसके लिए अवेलेबल होता है, तो फिर क्या वहाँ हम कुछ सावधानी रख सकते हैं, क्या हमारे एंड पे कुछ है जिसको हम सिक्योर कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इसका जवाब ढूंढेंगे। चैटबॉट रिस्की है बात क्योंकि एक बड़ा डेटा लीक हुआ या थेफ्ट हुआ जहां AI चैटबॉट का डेटा उड़ा लिया गया और अब फ्रॉड के बड़े खतरे हैं। राइट, तो क्या कुछ हो सकता है जिससे आप इसे संभाल पाए? वक्त मेरे पास थोड़ा कम है लेकिन क्विकली मैं आप लोगों से राय लेता हूं। रौनक साहब, क्या कोई तरीका है किसी एंड यूजर के पास, अब मैं अगर कर रहा हूं बातचीत तो मैं अपने एंड पे कोई सिक्योरिटी बरतूं वहां पे, या कोई ऐसी चीज है? वैसे तो जितनी बातचीत होती है उसमें आप बेसिक चीजें ही बताते हैं, और क्या कहते हैं वहां? सबसे पहले तो हमें एक जो पर्टिकुलरली हमारी साउथ एशिया में एक मानसिकता है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम घर में 5 साल पुरानी टी शर्ट किसी को देने में 10 बार सोचेंगे, लेकिन 500 करोड़ का एक्सेस का डेटा बिना सोचे समझे दे देंगे। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा होनी चाहिए कि आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए। सिर्फ सामने AI है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। उस ट्रस्ट का एक्सप्लॉयटेशन हैकर्स करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है, अक्सर हम देखते हैं कि ये जो AI कस्टमर सपोर्ट कन्वर्सेशन है उसमें AI शुरुआत करता है और फिर ह्यूमन एजेंट को ट्रांसफर होता है। इस ट्रांजिशन की भी हैकिंग हो सकती है। सो आपको ये अवेयर रहना है कि वेदर इट इज रियली ह्यूमन एजेंट और AI, ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड कन्वर्सेशन वो लोग आपसे करेंगे। तो एंड यूजर को सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में आपका पर्सनल डेटा, जब तक वो 100% रिक्वायर्ड नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको नहीं शेयर करना। आपको हमेशा अंदर से एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि ये चीज आपने मांगी है, आपको चाहिए, क्यों चाहिए। ये प्रश्न हम अपने आप से करते नहीं है। कुछ सिनारियों में जैसे मैंने बोला कि हम बहुत अवेयर हैं, लेकिन जहां बड़ी बातें आती है वहां हम आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। इस मानसिकता से निकलने की जरूरत बहुत ज्यादा।
ठीक है जी, चलिए क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन यही है, देखिए आप जो हम सभी जगह कहते हैं कि आप 100% ट्रस्ट किसी चीज़ को मत कीजिए, क्या डेटा दे रहे हैं इसके बारे में जागरूक रहिए, भले ही वो AI चैटबॉट हो, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका डेटा अगर आपसे बाहर जा रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, ऑलरेडी हमारा बहुत सारा डेटा कंप्रोमाइज है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और क्या कुछ घट रहा है, जैसे आज इस कार्यक्रम से आपको पता चला होगा कि भाई AI चैटबॉट से भी जो बातचीत करते हैं वो भी थेफ्ट हो सकती है, लीक हो सकती है, उससे फ्रॉड तक हो सकते हैं। बस इतना भी जान लिया और कॉन्शियस रहे तो, या सतर्क रहे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई होप कि इसके बाद दर्शकों के लिए बातचीत काफ़ी काम की होगी और वो आगे ऐसे किसी फ्रॉड से, संभावित फ्रॉड से खुद को बचाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।